हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने फ़ोन में 1GB 2GB 3GB रैम वाले फ़ोन में आप लोग अच्छे से फ्री फायर खेल सकते हो बिना किसी ऑटोबैक के, बिना किसी लैग के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो गाइज़, आज की वीडियो मेरा पार्ट थर्ड वाली वीडियो आपके सामने होने वाली है। इस वीडियो में आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस देखने को मिली थी, सबका प्रॉब्लम आप लोगों को बताने वाला हूँ। प्लस आप लोगों को एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, जो कि भाई उससे आप लोगों का है वो मिनिमम आप लोगों का ऑटोबैक होगा और बहुत ही रेयरली ऑटोबैक आप लोगों का होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो गाइज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज़ ऐसी वीडियो आप लोगों को कहीं भी कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को नहीं बताने वाला और ना ही बताएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के लिए रेगुलर लेके आता रहता हूँ। तो गाइज़, आप लोगों को फ़र्ज बनता है कि आप लोग ये वीडियो पूरी देखें। ठीक है गाइज़, चलिए गाइज़ मैं मेरा पार्ट थर्ड की वीडियो है वो स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आपको कोड्स वगैरह आप लोगों को बताए थे, सेटिंग्स वगैरह आप लोगों को बताई थी, तो काफ़ी बंदों को दिक्कत हो रही थी कि सेटिंग्स को लगाने के बाद में भी उनका कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, लेकिन फिर बाद में एक दो दिन के बाद में फिर से उन लोगों का ऑटोबैक वो स्टार्ट हो गया। तो गाइज़ उनको मैं बता दूं कि आप लोग फिर से सेटिंग वो अप्लाई कर लो। ठीक है, आप लोग आपके अपने अपने पास है वो एक SD कार्ड आप लोग ज़रूर रखिएगा, तो उससे आप लोगों का थोड़ा स्पेस है वो थोड़ा सा फ्री होगा और आप लोग रैम वगैरह फ्री करके आप लोग अच्छे से फ्री फायर खेल सकते हो। भाई जिन बंदों ने भी कोड वगैरह भी लगा लिया, सेटिंग वगैरह भी कर ली, सब कुछ कर लिया, तो गाइज़ मैं बता दूँ कि ये जो कोड था, जो मैंने बताया था *S9900 वाला कुछ मैंने कोड आप लोगों को बताया था, वो सिर्फ सैमसंग यूज़र्स में ही काम कर रहा था, रियलमी वगैरह, रेडमी वगैरह इनमें काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इनके लिए भी गाइज मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए भी कोड है वो लेके आने वाला हूँ, तो आप लोगों को बता दूंगा कि भी जो MI में काम करने वाला होता है, जो MI में आप लोगों का ऑटोबैक सॉल्व करेगा, वो सब मैं आप लोगों को वीडियो में मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। आज मैं आप लोगों को एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, जिसको आप लोगों को है वो स्टार्टिंग में अपनी गेस्ट ID में ट्राई करनी है, उसके बाद में आप लोग है वो श्योर हो जाओ, 100% श्योर हो जाओ, तो ही आप लोग उसे अपनी मेन ID में स्टार्ट यूज़ करना उसको। ठीक है, क्योंकि गाइस सेम टू सेम एप्लीकेशन है, VMOS एप्लीकेशन, जैसा मैंने पहले बताया था उससे भी 101% अच्छी एप्लीकेशन है ये। ठीक है, उस काफ़ी बंदों के वो एप्लीकेशन वो काम कर रही थी, काफ़ी बंदों के नहीं कर रही थी, फिर कर भी रही थी तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा लैग हो रहा था उनके फ़ोन्स में। ठीक है, और स्पेस भी बहुत ज़्यादा ले रहा था, तो गाइज आज मैं जो एप्लीकेशन बताऊंगा वो इतना स्पेस भी नहीं लेगी और वो इतना लैग भी नहीं करेगी। ठीक है, VMOS एप्लीकेशन थी वो ओल्ड वर्जन की थी तो इसलिए लैग करती थी, ये वाली एप्लीकेशन न्यू वर्जन की है तो इतना लैग नहीं करेगी और 32-bit में भी अच्छे से चलेगी। तो आप लोग ये एप्लीकेशन आप लोग ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा, और कैसे कैसे आप लोगों को प्रोसेस करना वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सेम VMOS प्रो एप्लीकेशन जो थी बिल्कुल सेम उसके जैसा ये एप्लीकेशन ये भी है। ठीक है, आधा स्टेप मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, आधा जो स्टेप होगा आगे का वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, अगर आप लोगों से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग एप्लीकेशन यूज़ कर लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो गाइस मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने VMOS एप्लीकेशन बताई थी उसके बिल्कुल सेम उसके जैसा ही है, बिल्कुल उसके जैसा ही है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे WhatsApp पे आप लोग पूछ सकते हो, जो कि आप लोगों को कोई भी इशू रह जाता है तो। ठीक है, आई होप कि आप लोग को सारे इशू है वो सॉल्व हो जाएंगे और आप लोग बढ़िया से फ्री फायर वो खेल पाओगे, क्योंकि गाइज ऐसी कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगरेशन आप लोग ट्राई कर लो उससे आप लोगों का ऑटोबैक कभी सॉल्व नहीं होने वाला है। हो भी जाएगा तो भी परमानेंटली सॉल्व नहीं होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा, फिर बाद में एक दो दिन बाद में फिर से आप लोगों का ऑटोबैक होने लग जाएगा। इससे बढ़िया कि आप लोगों का वो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तो मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूँगा, तब तक प्रमोट नहीं करूँगा तब तक कि मैं खुद श्योर नहीं हो जाऊँ। ये जो एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, प्ले स्टोर की जो एप्लीकेशन है वो मैक्सिमम है, वो उससे ID बैन नहीं होती है। अगर आप बिल्कुल ही सारी एप्लीकेशन ट्राई करने लग जाते हो तो फिर हो सकता है आपकी ID बैन हो जाए। ये मैंने एप्लीकेशन ट्राई करी है, पहले 2-3 IDs में ट्राई करी है, उसमें भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस एप्लीकेशन से आया है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो और बढ़िया से फ्री फायर खेल सकते हो। ठीक है, VMOS प्रो जो एप्लीकेशन थी उसमें भी भाई किसी भी बंदे की ID बैन नहीं हुई थी, इसमें भी आप लोगों की ID बैन नहीं होगी जहाँ तक मुझे पता है, और बाकी आप लोग अपने रिस्क पे यूज़ करिएगा। पहले 15-20 दिन आप लोग अपनी गेस्ट ID में चला के देखिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आप लोग फिर वो अपनी मेन ID में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, और बाकी अगर आप लोगों को कोई अगर आप एप्लीकेशन वगैरह ट्राई नहीं करना चाहते हो तो गाइज मैंने सेटिंग मेरी पार्ट 2 के अंदर मैंने बताई थी सेटिंग, सैमसंग वाले फ़ोन जितने भी है सब आप लोग यूज़र्स उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों का फिर भी थोड़ा ऑटोबैक हो रहा है, मेन ID आपने लगाई तो आप लोगों का ऑटोबैक हो रहा है, तो आप लोग एक बार फिर से जाके है वो उसको सारी जो सेटिंग्स वगैरह जो बताई है मैंने उसको अप्लाई करो और अपने फ़ोन में थोड़ा स्पेस फ्री रखो, क्योंकि गाइज मैंने जो एप्लीकेशन सेटिंग्स बताई है उससे मैंने आप लोगों को प्रोसेसर वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है उसका लेवल, जिसके कारण है वो उसका थोड़ा मतलब उसका फ़ायदा आप लोगों को होने वाला है। ठीक है,
तो आप लोग मुझे मैसेज करके भी आप लोग पूछ सकते हो। चलिए गाइज, एप्लीकेशन को आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को है वो कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप लोग करीब 500 MB का है वो डाउनलोड लेगा। आप लोगों का डेटा आप लोगों का जरूर लगेगा, लेकिन भाई आप लोगों को ऑटोबैक की प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को डाउनलोड करना होगा, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। अगर अच्छा नेट है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अगर आपके पास नेट थोड़ा कम है तो थोड़ा टाइम आप लोगों लग सकता है। 500 MB के करीब आप लोगों का डाटा वो लगने वाला है। सैमसंग जेट यूज़र हो चाहे कोई सा भी यूज़र हो, आप लोगों का इतना टाइम तो लगना ही है, ठीक है। कुछ बंदों में भी 64 बिट की एप्लीकेशन भी होती है, जैसे रियलमी वगैरह होगी, जो रियलमी 2GB वाले उसमें 64 बिट की एप्लीकेशन है, तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसमें आराम से चल जाएगी आप लोगों की एप्लीकेशन। जो VMOS Pro में जो दिक्कतें आनी थी वो इस एप्लीकेशन में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम उसकी जैसी एप्लीकेशन है। नहीं कोई भी ID बैन होने के चांस बहुत कम है, ठीक है। फिर भी आप लोग थोड़ा सोच समझ के आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करिएगा। ऐसे आप लोगों को डाउनलोड करना है और जो जो परमिशन आप लोगों को देनी है वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगा, और कैसे इंपोर्ट करना है वो भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो VMOS वाली वीडियो देखिए, उसके अंदर कैसे इंपोर्ट करते हैं वो सब मैंने बताया है उसके अंदर, ठीक है। बाकी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि गाइज वीडियो बनाने के लिए इतना टाइम था नहीं मेरे पास, तो गाइज मैं पूरी वीडियो आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा इसके अंदर, और हो सके तो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को वो बाकी के जो स्टेप्स है वो सब बता दूंगा। तब तक आप लोग वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख के उसको देख के रिलेट करके आप लोग वो एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल मतलब सेफ एप्लीकेशन है जहाँ तक मैंने यूज़ किया है उसको, ठीक है। आप लोग अगर आप लोगों को थोड़ा भी रिस्क लगता है तो आप लोग एप्लीकेशन यूज़ मत करिएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग दो फाइल्स आप लोगों की डाउनलोड होगी, आप लोगों की 200 MB की हो सकती है, शायद 250 या फिर 200 MB की आप लोगों की दो फाइल्स है वो डाउनलोड होगी। नेट आपका ज़रूर थोड़ा सा खर्च होगा, लेकिन भाई आप लोगों का काफ़ी हद तक मैं करूँ परमानेंटली आप लोगों का ऑटोबैक सॉल्व हो जाएगा इससे। चाहे अगर 1GB रैम वाले भी आप लोग जो जो बंदे 1GB रैम वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आप लोगों को अपने फ़ोन में कम से कम 3 से 4 GB आप लोग फ्री करके भी आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप भी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, आपके में भी ऑटोबैक सॉल्व हो सकता है इस एप्लीकेशन से। 1GB मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आप लोग एक ट्राई ज़रूर करके देखिएगा एक बार, ठीक है। मेरा बस सिर्फ एक ही मोटिव है कि कैसे ना कैसे आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्व मैं कर सकूं कैसे ना कैसे करके। तो गाइज देख सकते हैं मैंने कितनी सारी सेटिंग्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं, मैं कितनी सारी मैंने कॉन्फ़िग आप लोगों के लिए डाली है, कितनी सारी एप्लीकेशंस जो कि भाई ID बैन नहीं हो ऐसी एप्लीकेशंस मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो भाई इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो भी फिर भी गाइज लाइक वो नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ वो नहीं आ रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई रीज़न तो है। या तो मैं वीडियो अच्छे नहीं बनाता हूं, आप लोगों की हेल्प नहीं हो रही है, या फिर आप लोग अब वीडियो ही नहीं देख पा रहे हो, वीडियो ही नहीं देखते हो, आप लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही है। भाई मैं मेरी तरफ से मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों की कैसे ना कैसे सॉल्व हो। देख सकते हैं एप्लीकेशन के लिए गाइज मैंने पूरा मतलब स्पेस अब मेरा भर लिया, देख सकते हैं फिर भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही है, हो रही है धीरे धीरे डाउनलोड हो रही है। आप लोगों को बता रहा हूँ कम से कम आप लोग 3GB अपना स्पेस है वो फ्री रखिएगा, ठीक है। अगर किसी के भाई 3GB स्पेस फ्री नहीं है और वो नहीं कर सकता है, तो गाइज आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई मत करिएगा। आप लोग सेटिंग्स आप लोग जो मैंने बताई थी वो आप लोग ट्राई करिएगा, एनिमेशन स्केल्स वगैरह वो ट्राई करिएगा, और जो मैंने प्रीवियस में 5 ऐसी सेटिंग्स बताई है वो भी आप लोग साथ में यूज़ करिएगा, ठीक है। कुछ ऐसा स्टेप प्रोसेस लेगा और फिर आप लोगों का देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोगों को है वो थोड़े से परमिशंस वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो आप लोगों को भी अलाउ कर देने हैं, ठीक है। ऊपर आप लोगों को देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा इस एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर आप लोगों को फ्री फायर और फ्री फायर की OBB फाइल दोनों को इंपोर्ट करना है, ठीक है। सेम समझिए कि ये आपका दूसरा फ़ोन हो गया है, ठीक है। दूसरे फ़ोन में आप लोगों को क्या करना है, पहले वाले फ़ोन से दूसरे फ़ोन में फ्री फायर डालना है, तो आप लोग कैसे डालोगे, ठीक है। परमिशंस वगैरह आप लोग देख लीजिए कि मैं कैसे कैसे परमिशन वो दे रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप लोग यूज़ करिएगा, ठीक है। आधी वीडियो बताऊंगा इसके अंदर, आधी वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आप लोगों को है वो पूरी जो डिटेल है वो आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि गाइस टाइम इतना मेरे पास था नहीं, तो इसलिए गाइस वीडियो है वो थोड़ी ही कम बन पाई है, तो आप लोग थोड़ा सा कंपनसेट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को इम्पोर्ट कैसे करना है वो आप लोग ध्यान से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को इम्पोर्ट एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, यहाँ से तो आप लोग है वो फ्री फायर की एप्लीकेशन और ZARCHIVER को इम्पोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इम्पोर्ट फाइल पर जाके आप लोग है वो OBB एंड्रॉयड में जो OBB जो फाइल होती है ना उसको आप लोग है वो कॉपी कर लीजिएगा, फिर आप लोग है वो ZARCHIVER में जाके वहाँ पे एंड्रॉयड में जाके कुछ आप लोगों को है वो OBB फाइल क्रिएट करके वहाँ पे उसको पेस्ट करना होगा, जो कि आप लोग है वो मेरी VMOS वाली वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हो कि मैंने कैसे किया है, ठीक है। केवल डिफरेंस होगा कि उसमें आप लोगों को जो फाइल्स वगैरह है वो सब इम्पोर्ट फोल्डर में आप लोगों को मिलेगी वहाँ पे।
101% आप लोगों का परमानेंटली सोल्यूशन होने वाला है। और गाइज अगर किसी का इस वाली एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद में भी आप लोगों का सॉल्व नहीं होता है तो गाइज आप लोग कितनी ही कॉन्फ़िगरेशन ट्राई कर लो आप लोगों का सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइज आप लोगों की प्रोसेसर इतना वीक हो चुका है कि अब वो नई नई एप्लीकेशंस को झेल ही नहीं पा रहे हैं। और आप लोगों का फ़ोन है वो या तो 4-5 साल वो पुराना हो चुका है, जिसके कारण है उनको लैग करता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनको। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और गाइज वीडियो बिल्कुल 1% भी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो ना तो गाइज वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और हमें नई नई वीडियो लाने का मौका मिलता है। ठीक है गाइज, यहाँ वीडियो ये जो वीडियो है यहीं तक रखूँगा। अगर भाई किसी को समझ में नहीं आई हो तो गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, पूरी वीडियो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालूंगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारा सब कुछ वो डाल दूंगा तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग देखोगे भी नहीं और भाई आप लोगों की प्रॉब्लम बीच में ही रह जाएगी फिर वो। ठीक है, तो इसलिए मैं भी अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। और गाइज ये आप लोग कस्टम वगैरह देख सकते हो, ये यहाँ पे दो बंदों के बीच में कस्टम था जो कि मैंने करवाया था, तो उसकी वीडियो है, तो दोनों बंदे भाई कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट है वो ज़रूर कर दें एक बार। ठीक है, आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा, आप लोगों की किसी न किसी तरह से आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो गाइज मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू गाइज़।